मैं बड़ी खुशी के साथ इतला ईवान को इतला करता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबका दौर हकूमत में जनाब आसिफ अली जरदारी, सैयद यूसुफ रजा गिलानी और मेरी सरबराई में जुमर्द खान साहब ने, जो साबिक MNA और MD बैतुल माल रह चुके हैं, 2009 में पाकिस्तान स्वीट होम का आगाज एक बच्चे के साथ किया जब स्वात में ऑपरेशन हुआ, और आज मुल्क भर में दर्जनों स्वीट होम्स कायम हैं जहां हजारों बच्चे जेर तालीम हैं। जनाब जमुर्द खान साहब ने अपनी तमाम तर जिंदगी इस मकसद के लिए वक्फ कर दी है और आज ये मुल्क के बेहतरीन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जेर तालीम हैं। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि कौम की दर्जनों बच्चियां मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद कैडेट कॉलेज लाड़काना में सेलेक्ट होकर जेर तालीम हैं और ये बच्चियां आज यहां मौजूद हैं जिनका तल्लक चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से है। और साथ ये भी बताता चलूं कि इनका ये भी क्रेडिट है कि पाकिस्तान के स्वीट होम के तहत मुल्क भर में ये पहला कैडेट कॉलेज जो कि उन्होंने गुजर खान में कायम कर दिया है, जिसमें सैकड़ों बच्चे जो पूरे पाकिस्तान से मेरिट पर सिलेक्ट होकर जेर तालीम हैं, जिनकी तमाम तर कफालत मुकम्मल तौर पर मुफ्त है। जुमर्द खान का ये ख्वाब है कि इस तरह के कैडेट कॉलेज पाकिस्तान के हर ज़िले में कायम हों। हम जुमर्द खान साहब को, इनकी खिदमात को सराहते हैं और इनको यकीन दिलाते हैं कि हम उनके साथ हैं। आज ये बच्चे पार्लियामेंट की विजिट पर हैं, हम सब इनको खुश आमदीद कहते हैं। मैं खुद इनसे इंशाल्लाह मुलाकात करूंगा और मैं तमाम मेंबरान से भी गुजारिश करता हूं कि वो भी इनसे मुलाकात करें ताकि इन बच्चियों की हौसला अफजाई की जा सके। बहुत शुक्रिया।